अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइस आर ऑल वेल। सो गाइस, आज मैं आपको गूगल एपीआई ब्लॉगर में ऐड करना सिखाऊंगा, जो कि बहुत सारे बिगनर्स को इसके बारे में नहीं पता। गूगल एपीआई बेसिकली आपकी वेबसाइट पर आर्टिकल्स को फास्ट तरीके से इंडेक्स करवाने में हेल्प करता है, जो कि अगर आप गूगल सर्च कंसोल में अपनी पोस्ट को इंडेक्स करवाते हैं तो वहां पर आपको 1 से 2 डेज या फिर 3 डेज भी लग जाते हैं गूगल में पोस्ट इंडेक्स होने में। तो एपीआई गूगल का वो टूल है जो आपकी वेबसाइट पर सभी आर्टिकल्स को 3 to 5 मिनट्स में गूगल में इंडेक्स करवा देता है और आपको सर्च कंसोल में इंडेक्सिंग करवाने में टाइम भी नहीं लगाना पड़ता। स्टार्टिंग में आपको 1 डे लग सकता है, कुछ दिनों में ओल्ड होने के बाद गाइस 3 to 5 मिनट्स में गूगल में इंडेक्स हो जाएगा, जिसका मेथड मैं शेयर करने वाला हूँ। और इस मेथड को वर्डप्रेस पर भी यूज कर सकते हैं, जो कि वीडियो में आपको बता दूंगा। और कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो वर्डप्रेस पर अलग से भी वीडियो बना दूंगा, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, वरना इंपॉर्टेंट स्टेप्स मिस हो सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ब्लॉगर पे करके दिखाऊंगा, उसके बाद वर्डप्रेस पे भी बताऊंगा। जो कि गाइस आप देख सकते हैं, इस वेबसाइट पर मैं आपको गूगल एपीआई ऐड करने का तरीका बताऊंगा। जो कि गाइस आपने अपनी वेबसाइट ओपन कर लेनी है, इसके बाद गाइस आपने सबसे पहले अपना ब्लॉगर ओपन कर लेना है, न्यू टैब ओपन कर लेना है। यहाँ पे गाइस आपने लिख लेना है गूगल एपीआई। यहाँ पे गाइज आपको फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगा गूगल एपीआई कंसोल, जिसका लिंक भी गाइज आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लिंक पर क्लिक करके भी आ सकते हैं। तो गाइज ये आप देख सकते हैं गूगल क्लाउड कंसोल ओपन कर लिया है, जिसपे गाइज आपने सबसे पहले अपना कंट्री नेम ऐड कर लेना है, जो कि पाकिस्तान है। अगर आपका कोई और कंट्री है जैसे कि इंडिया, तो गाइज यहाँ पे आपने अपना कंट्री कोड सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट गाइज आपने यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो टिक कर लेनी है, और ईमेल अपडेट्स भी गाइज आपने यहाँ पे टिक कर लेनी है, और एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट गाइज आपने यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना है। क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपने कोई भी अपना नेम ऐड कर लेना है, जिस नेम से गाइज आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। जैसे कि गाइज मैं यहाँ पे ब्लॉगर एपीआई लिख लेता हूँ, आप भी ब्लॉगर एपीआई ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइज क्रिएट पर क्लिक कर लेना है। ये गाइज आप देख सकते हैं हमारा ब्लॉगर एपीआई जो वो क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट गाइज आपने 3 लाइंस पर क्लिक कर लेना है, इसमें गाइज आपने आई एम एंड एडमिन पर क्लिक करना है, और यहाँ पे गाइज सर्विस अकाउंट्स पर आपने क्लिक कर लेना है। सर्विस अकाउंट्स पर आने के बाद गाइज यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट सर्विस अकाउंट, इस पर गाइज आपने क्लिक करना है। यहाँ पे गाइज आप सर्विस अकाउंट नेम अपना ब्लॉगर एपीआई दे सकते हैं, या आप कोई भी नेम लिख सकते हैं। तो गाइज मैंने ब्लॉगर एपीआई लिख लिया है, जो कि आप भी ब्लॉगर एपीआई लिख सकते हैं। नेक्स्ट गाइज आपने यहाँ पे क्रिएट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है, और गाइज नेक्स्ट ऑप्शन आपने यहाँ पे सिलेक्ट अ रोल में गाइज ओनर पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपने ओनर सर्च करना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो गाइज ये आप देख सकते हैं ओनर, इस पर आपने गाइज क्लिक कर लेना है। ओनर आपने सिलेक्ट करने के बाद गाइज कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। जो गाइज आप देख सकते हैं कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपने ग्रांट यूजर्स जो है वो गाइज आपने इसको स्किप कर देना है, एंड डन पर गाइज आपने क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट गाइज आपने एक्शंस पर आ जाना है, और 3 डॉट्स पर गाइज आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इसमें गाइज मैनेज कीज आपको मिल जाएगा, जो कि गाइज ये आप देख सकते हैं हमारा ईमेल ब्लॉगर जो है आईडी बन चुकी है। नेक्स्ट गाइज कीज में आने के बाद ऐड की पर आपने गाइज क्लिक करना है, क्रिएट न्यू की पर गाइज आपने क्लिक कर लेना है। ये गाइज आपने जेसन पर ही रहने देना है, और क्रिएट पर क्लिक कर लेना है। हमारा ब्लॉगर एपीआई कोड जो है वो डाउनलोड हो चुका है। नेक्स्ट गाइज आपने इस पर बैक आ जाना है, और वापस गाइज आपने यहाँ पे 3 डॉट्स पर क्लिक कर लेना है, और मैनेज डिटेल्स में आ जाना है। यहाँ पे गाइज ये आप देख सकते हैं ईमेल, आपने इस ईमेल को गाइज कॉपी कर लेना है और अपने गूगल सर्च कंसोल में आ जाना है। यहाँ पे गाइज आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, सेटिंग्स पर क्लिक कर लेना है, और नेक्स्ट गाइज आपने यूजर्स एंड परमिशन पे आ जाना है। ऐड यूजर पर गाइज आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है, और जो आपने गाइज ईमेल एड्रेस आपने कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट करके, तो परमिशन गाइज आपने यहाँ पे ओनर की दे देनी है, और ऐड पर गाइज आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है।
जी गाइज आप देख सकते हैं ब्लॉगर एपीआई यूजर जो है वो हमारा ऐड हो चुका है, जो कि आपने गाइज यहाँ पे ओनर ही सिलेक्ट रहने देना है। नेक्स्ट गाइज आपका जो ब्लॉगर एपीआई है वो ब्लॉगर में ऐड हो चुका है। नेक्स्ट गाइज आपने एपीआई कंसोल में आ जाना, जो कि गाइज इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपने इस लिंक को कॉपी करके गाइज जहाँ पर आप अपना गूगल एपीआई ऐड करना चाहते हैं वहाँ पे गाइज आपने इसको पेस्ट कर देना है। न्यू टैब पर जाके गाइज यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो गाइज आपके यहाँ पे गूगल एपीआई कोलैब ओपन हो जाएगा, जहाँ पर गाइज आपने अपनी इंडेक्सिंग करवानी है। ये गाइज आप देख सकते हैं गूगल एपीआई कोलैब, इसमें गाइज आपने अपनी पोस्ट की इंडेक्सिंग करवानी है, जो कि ये गाइज आप फ्रंट पे देख सकते हैं। इसमें गाइज मैंने वीडियो ट्यूटोरियल भी आपको दिया हुआ है, तो गाइज यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आती तो आप गाइज यहाँ पे वीडियो वॉच करके गूगल एपीआई कंसोल ऐड कर सकते हैं, जो कि अगर आपको ऐड करना नहीं आ रहा तो गाइज इसमें कोई भी कोडिंग वगैरह नहीं लगी तो आपने परेशान नहीं होना। तो गाइज इसके अंदर मैंने कोई भी कोडिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं की हुई है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट गाइज आपने यहाँ पे अपनी पोस्टें इंडेक्स करवाने के लिए गाइज आपने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे गाइज आप ये देख सकते हैं आपने इस बटन पर क्लिक कर लेना है और रन एनीवे पर गाइज क्लिक कर लेना है। ये गाइज आपको वैसी नोटिफिकेशंस आ रही है, जो कि मेरे बिल्कुल भी यहाँ पे एक्सेस वगैरह नहीं होगा। आप इजीली अपने ब्लॉगर को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि गाइज मैंने यहाँ पे कोई भी ऐसा सिस्टम वगैरह क्रिएट नहीं किया हुआ है, जस्ट गाइज मैंने यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो गाइज इससे आपके ब्लॉगर को कोई भी इफेक्ट वगैरह नहीं पड़ेगा और ना ही कोई आपके ब्लॉगर में कोई इशू वगैरह होने वाला है। तो गाइज ये बिल्कुल सिक्योर है। आपने सबसे पहले गाइज इसको कॉपी टू ड्राइव पर क्लिक कर लेना है, जो कि गाइज ये आपके कॉपी हो जाएगा आपकी ड्राइव में। नेक्स्ट गाइज ये आपके ऑटोमेटिकली अगेन ओपन हो जाएगा, जो कि आपके ब्लॉगर के साथ गाइज ये अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट गाइज आपने यहाँ पे कनेक्ट पर क्लिक कर लेना है। कनेक्ट होने के बाद गाइज आपने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पर आ जाना है, जिसमें गाइज ये लिखा हुआ कनेक्ट टू योर गूगल ड्राइव, इस पर गाइज आपने क्लिक कर लेना है। जी गाइज आप देख सकते हैं आपने कनेक्ट टू गूगल ड्राइव पर परमिशन दे देनी है। यहाँ पे गाइज आपको कोई भी इश्यू वगैरह नहीं होगा, आप इजीली अपने गूगल एपीआई को अपनी जीमेल में कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि कोई भी इश्यू नहीं आएगा। मैंने इसमें कोई भी कोडिंग वगैरह या कुछ भी ऐसा नहीं दिया, जो कि गाइज आपके ब्लॉगर पे या आपके ब्लॉग पे कोई इफेक्ट करे। तो गाइज यहाँ पे आपने अलाउ कर लेना सेम एज इट इज, जैसे गाइज मैं वर्क कर रहा हूँ इसी तरह गाइज आपने अपने ब्लॉग को गूगल एपीआई से कनेक्ट कर लेना है। ये गाइज आप देख सकते हैं सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुका है। ये इंडेक्सिंग एपीआई आपके ब्लॉगर पे ही कनेक्ट होगा, जो कि इससे गाइज मेरा कोई लिंक वगैरह नहीं होगा। आपको मैंने लिंक शेयर कर दिया है, जो कि गाइज आपको लिंक शेयर करने के बाद आप इसको अपने ब्लॉगर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट आपने सेकंड ऑप्शन पर आ जाना है, जो कि गाइज आपने सेकंड ऑप्शन पर आने से पहले ये गाइज आप देख सकते हैं आपने फोल्डर पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे गाइज आपको ड्राइव का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने ड्राइव पर क्लिक कर लेना है। माई ड्राइव में आने के बाद गाइज आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, इस पर गाइज आपने क्लिक कर लेना है। अपलोड पर गाइज क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो गाइज आपने ब्लॉगर एपीआई डाउनलोड की थी वो फाइल गाइज आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है और ओके पर गाइज क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट गाइज आपने माई ड्राइव को ओपन करना है। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं ब्लॉगर एपीआई आपके यहाँ पे ऐड हो चुकी है, इस पर गाइज आपने 3 डॉट्स पर क्लिक करके कॉपी पास्ट क्लिक कर लेना है। कॉपी पाथ क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपने सेकंड स्टेप पर गाइज इसको पेस्ट कर लेना है। ये गाइज आप देख सकते हैं पेस्ट होने के बाद गाइज आपने रन पर क्लिक कर लेना। ये गाइज हमारा ब्लॉगर जो है गूगल कोलैब में ऐड हो चुका है, जो कि गूगल एपीआई हमारी क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट गाइज थर्ड ऑप्शन जो मैं आपको बता दूं, इस पर गाइज आपने अपना यूआरएल ऐड करना है जो आप इंडेक्स करवाना चाहते हैं। तो गाइज आपने अपने ब्लॉगर में आ जाना है। यहाँ पे गाइज अगर आप कोई भी पोस्ट इंडेक्स करवाना चाहते हैं, जैसे कि गाइज मैं फर्स्ट पोस्ट को इंडेक्स करवाना चाहता हूँ, तो इसका गाइज आपने यूआरएल कॉपी कर लेना, गूगल कोलैब में वापस आ जाना। यहाँ पे गाइज आपने इंसर्ट टेक्स्ट हेयर में गाइज पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद गाइज आपने रन पर क्लिक कर लेना। ये गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइज एरर आ चुका है, जो कि गाइज आपने एरर को फिक्स करने के लिए गाइज आपने वापस गूगल एपीआई में चले जाना है, जो कि गाइज आप देख सकते हैं गूगल एपीआई कंसोल, इस पर गाइज आने के बाद यहाँ पे गाइज आपने 3 डॉट्स पर क्लिक कर लेना है और गाइज आपने एपीआई एंड सर्विसेज पर आ जाना है और लाइब्रेरी में गाइज आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे गाइज आपने सर्च करना है इंडेक्सिंग एपीआई, गाइज इस पर आपने क्लिक कर लेना है। ये गाइज आपको फर्स्ट नंबर पर मिल जाएगा इंडेक्सिंग एपीआई, इस पर आपने क्लिक कर लेना। नेक्स्ट गाइज आपने इसको अनेबल कर देना है, जो कि गाइज आपने यहाँ पे 30 सेकंड्स वेट कर लेना है। जी गाइज आप देख सकते हैं हमारा गूगल इंडेक्सिंग एपीआई जो है वो हमारे ब्लॉगर के साथ कनेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट गाइज आपने वापस गूगल कोलैब में आ जाना है और अगेन गाइज आपने अपना यूआरएल अगेन पेस्ट कर लेना है यहाँ पे। Thank you.
और रन पर गाइज क्लिक करना है। गाइज आप देख सकते हैं सक्सेसफुली जो है इंडेक्सिंग हो गई है। तो गाइज इसी तरह आपने इंडेक्सिंग करवा लेनी है। तो गाइज आपने इसका URL बुकमार्क बना लेना जो कि गाइज आप इजीली बाद में इसको ओपन कर सकें। तो गाइज इसी तरह आपने डेली कर लेना है जो कि गाइज अगर आप एक दफा इसको ऑफ कर देते हैं तो ऑफ करने के बाद गाइज आपने इसको दोबारा जब भी ओपन करना है तो गाइज आपने इसको अगेन कनेक्ट करवा लेना है अपनी जीमेल से। नेक्स्ट गाइज आपने सेम मेथड सेकंड मेथड करना है जो कि गाइज आपने गूगल कनेक्ट करने के बाद गाइज सेकंड ऑप्शन पर आने के बाद आपने इसको गाइज अगेन रन करने से पहले फोल्डर में चले जाना और ड्राइव पर आ जाना। माई ड्राइव पर आने के बाद गाइज आपने इसको अगेन कॉपी कर लेना और कॉपी करके गाइज यहाँ पे अगेन पेस्ट करके तो गाइज आपने इसको रन कर लेना। जब गाइज ये सक्सेसफुल हो जाए तो गाइज आपने थर्ड ऑप्शन में पेस्ट कर देना है अपना लिंक। तो गाइज आपने इसको एक दफा ही करवाना है। उसके बाद गाइज आप जितनी भी पोस्ट है आप इंडेक्स करवाना चाहते हैं तो गाइज आप इजिली इनको इंडेक्स करवा सकते हैं। आपने जस्ट गाइज इनका URL कॉपी करना और यहाँ पे गाइज आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद रन पर क्लिक कर लेना। तो इसी तरह गाइज आपकी सारी पोस्ट जो है वो एक एक करके आपने इंडेक्स करवा लेनी है जो कि गाइज फर्स्ट टाइम में आपको वन डे भी लग सकता है। तो गाइज आपने परेशान नहीं होना। 4-5 days गाइज वर्क करने के बाद ये ऑटोमेटिकली 30 minutes के अंदर आपके पोस्ट को इंडेक्स करवा दिया करेगा जो कि गूगल में इंडेक्सिंग हो जाया करेगी। तो गाइज इसी तरह आप अपने ब्लॉगर पर गूगल API को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइज आपको वर्डप्रेस के बारे में बता दूं तो गाइज मैं वर्डप्रेस पर चला जाता हूं। ये गाइज आप देख सकते हैं वर्डप्रेस पर आने के बाद गाइज आपने सेम प्रोसेस कर लेना जो कि गाइज वर्डप्रेस पर अब मैं आपको बता दूं, जिसमें गाइज आपने गूगल क्लैब पर नहीं आना। आपका गूगल क्लैब पर कोई वर्क नहीं है। आपने सेम गाइज गूगल API क्लाउड बना लेना जो कि गाइज मैंने आपको बता दिया। सेम एज इट इज आपने गूगल क्लाउड पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपने गूगल API जनरेट कर लेनी है और इंडेक्सिंग API अनेबल कर लेना है। अनेबल करने के बाद गाइज आपने अपने वर्डप्रेस पर आ जाना है। वर्डप्रेस पर आने के बाद गाइज यहाँ पे आपने प्लगइन पर आ जाना है और एड न्यू प्लगइन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर गाइज आपने लिख लेना इंडेक्सिंग API और सर्च कर लेना है। ये गाइज आपको फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगा इंस्टेंट इंडेक्सिंग फॉर गूगल। तो गाइज ये आपने इंस्टॉल कर लेना है और इसको एक्टिवेट कर लेना जो कि गाइज मैंने ऑलरेडी इसको एक्टिवेट किया हुआ है। तो गाइज आपने इस प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद ये आपके गाइज रैंक मैथ में ऐड हो जाएगा। रैंक मैथ में आ जाना है गाइज। इसमें गाइज आपको यहाँ पे इंस्टेंट इंडेक्सिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर गाइज आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे गाइज आपने गूगल API सेटिंग्स में आ जाना है। इसमें गाइज आपने कोड डाउनलोड किया था वो गाइज आपने इस कोड को यहाँ पे गाइज पेस्ट कर देना है। चूज फाइल पर गाइज आपने क्लिक कर लेना है और अपनी फाइल को गाइज यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद गाइज सेव पर आपने क्लिक कर लेना है। उससे पहले गाइज आपने यहाँ पे पोस्ट और पेजेस को आपने सिलेक्ट कर लेना है और सेव चेंजेस पर गाइज आपने क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट गाइज आपने कंसोल में आ जाना है। यहाँ पे गाइज आप इजीली अपनी पोस्ट का URL ऐड करके तो गाइज सेंड टू API पर आपने क्लिक कर लेना है जो कि गाइज आपकी पोस्ट जो है इंडेक्स हो जाएगी। तो गाइज आपने एक्शन बटन में गाइज आपने फर्स्ट वाले को ही सिलेक्ट रहने देना है। आपने बाकी तीन को स्किप कर देना है। तो गाइज आपने फर्स्ट वाले को ऐड करने के बाद गाइज सेंड टू API पर क्लिक करेंगे तो गाइज आपकी पोस्ट यहाँ पर भी इंडेक्स हो जाएगी जो कि गाइज नेक्स्ट टाइम आपके ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग हो जाया करेगी जब भी आप पोस्ट पब्लिश करेंगे। अगर गाइज आपके गूगल में इंडेक्सिंग नहीं होती तो गाइज यहाँ पे आके आप अपनी पोस्ट को इंडेक्स करवा सकते हैं। अगर आपको तब भी इश्यू आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं तो मैं इस पर एक अलग से एक और वीडियो बना दूंगा जो कि वर्डप्रेस के लिए मैं अलग से बता दूंगा। तो गाइज इसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अपने गूगल API को अपने ब्लॉगर में कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।